दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए आपका वोट मांगने जल्दी आपके घर आ सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता और हजारों कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सड़कों और गलियों में नजर आने लगेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस कैंपेन की शुरुआत अपनी विधानसभा नई दिल्ली से 21 अक्टूबर रविवार को करने जा रहे हैं। इसके तहत वह घर घर जाकर लोगों से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट और चंदा देने की अपील करेंगे। इस अभियान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्री, सभी सांसद, लोकसभा प्रभारी, सभी विधायक, सभी पार्षद, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। ये सभी घर घर जाकर वोट मांगेंगे, साथ ही चंदा देने की अपील भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग अब घर घर जाकर अनुरोध करेंगे कि चाहे 100 रुपये, 1000 रुपये, 10000 रुपये जितना भी दे सकें, हर महीने इस राष्ट्र निर्माण में काम जरूर योगदान दें। इस तरह से रविवार से आम आदमी पार्टी के सभी नेता और हजारों कार्यकर्ता दिल्ली भर में सड़कों और गलियों में वोट मांगते नजर आने लगेंगे। इस कैंपेन के माध्यम से दिल्ली में भाजपा के सातों सांसद की पोल खोलते हुए लोगों को ये समझाया जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताना क्यों जरूरी है, इससे दिल्ली के लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। पार्टी कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाकर लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि 2014 में आपने दिल्ली से भाजपा के साथ सांसद चुने, 2015 में आपने दिल्ली में केजरीवाल को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, इनसे किसने आपके लिए काम किया, केजरीवाल ने या सात सांसदों ने। आम आदमी पार्टी सरकार के शानदार कामकाज का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे कि केजरीवाल ने आपकी बिजली सस्ती की, पानी मुफ्त किया, सरकारी स्कूल ठीक किए, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दवा और इलाज फ्री किया। साथ ही जनता के बीच ये सवाल भी छोड़कर आएंगे कि भाजपा के सातों सांसदों ने क्या किया, कोई एक भी अच्छा काम किया हो तो बता दीजिए। खुद तो ये लोग कभी जनता के बीच गए नहीं, उल्टा अरविंद केजरीवाल के सारे अच्छे कामों में अड़चन लगाई। ये तो अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने इनसे लड़ लड़ के ये सारे काम करवा लिए। सोचिए इनकी जगह अगर आम आदमी पार्टी के सातों सांसद होते तो केजरीवाल ये सारे काम 10 गुना स्पीड से कर पाते। मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी और सीलिंग का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाएगी, साथ ही इन मुद्दों पर भाजपा के सातों सांसदों की चुप्पी पर भी निशाना साधेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर व्यापारी के दरवाजे पर जाकर कहेंगे कि किस तरह भाजपा ने आपकी दुकानें सील कर दी, भाजपा के सातों सांसद चुप रहे थे। साथ ही लोगों को ये भी बताया जाएगा कि मेट्रो का किराया बढ़ाकर भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। तर्कों के साथ लोगों को समझाया जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद होते तो केजरीवाल ना दिल्ली में सीलिंग होने देते, ना मेट्रो के किराए बढ़ने देते। आम आदमी पार्टी हजारों कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर बताएंगे कि किस तरह भाजपा के सातों सांसदों ने सिर्फ अपने LG के जरिए दिल्ली के कामों में अड़चन लगाई, मोहल्ला क्लिनिक रोके, CCTV रोका, हर जनहित के काम की फाइल अटकाई, मगर केजरीवाल ने लड़ लड़ कर सारे काम करवा लिए। इससे साफ है कि जनता के काम कौन करवाता है। केजरीवाल 24 घंटे इनसे आपके लिए और आपके कामों के लिए लड़ते हैं। इस चुनावी कैंपेन के जरिए लोगों से अनुरोध किया जाएगा, अगर दिल्ली के सभी सांसद आम आदमी पार्टी के हुए तो सोचिए अरविंद केजरीवाल के हाथ कितने मजबूत होंगे और आपके काम कितनी स्पीड से होने लगेंगे। फिर PM को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली वालों के सारे काम होंगे और तो और केजरीवाल दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर देंगे। We have come for a campaign is Brijesh. My name is Madhavin. And एक लोकसभा का चुनाव अभी आ रहा है, तो हम सबसे अच्छा, we are making an appeal to everyone to vote for आम आदमी पार्टी this time. Last time people voted for BJP. This time? They will not vote for BJP. Let us hope, right. Let us hope they will not vote for BJP. So, because last time, 7 seat BJP ko mili, to logon ko to kuch nahi mila. Those 7 MPs have not done anything for Delhi. On the contrary, they have created obstacles in every work that you were doing. Second is, we don't have money to fight elections. Because we have worked very honestly for the last 3 years. If we wanted, we could have made good. Yeah, so we are going to door-to-door asking for donations also.
So we are making an appeal to people if they can give us 100 rupees per month. So it is entirely up to you if you would like. That's all right. I mean, so this is a small form. ये नंबर 98 सत्य 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 आप पार्टी ने तो बताओ सब लोग मुझे